वैसे तो गणपति बप्पा को 11, 21, 101 मोदक का भोग लगाया जाता है, लेकिन अथर्वशीर्ष में 1000 मोदक का बहुत महत्व है। लेकिन हमें मार्केट से अगर ज़्यादा मोदक का ऑर्डर देना है तो बहुत पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, और ये कॉस्टली होने के साथ साथ ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि मोदक कितने प्योर हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही बजट फ्रेंडली मोदक आप कैसे घर पे बना सकते हैं। ये मोदक बहुत टेस्टी होंगे मार्केट जैसे, और साथ में इन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है तो इनकी बात ही कुछ अलग होती है। इस वीडियो में मैंने आपको मोदक की रेसिपी दी है, जिसे यूज़ करके आप 201, 501, 1000 और चाहे जितने मोदक बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे मार्केट के जैसे। इसके लिए मैंने बारीक वाला रवा यूज़ किया है, 3 कप रवा लिया है, 1/2 kg। और इसे अच्छे से छान लिया है और 250 ग्राम अमूल बटर को मेल्ट कर लिया है, और इसे मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो इसमें सूजी को अच्छे से बाहर ही हमने मिक्स कर लिया है। ये प्रोसेस आप गैस पर भी कर सकते हैं। 3 मिनट इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है बीच में स्टर करते हुए। माइक्रोवेव सेफ बर्तन में 6 कप पानी लिया है और उसमें 400 ग्राम शुगर ले ली है और इसमें थोड़ा सा पिस्ता कलर डाला है, जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और जो रवा हमने रोस्ट करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए रवा को रोस्ट करते समय उसे स्टेयर करते रहिए ताकि वो जले ना। इसमें हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। कुटे हुए थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर थोड़ा सा डालेंगे तो मोदक बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। इन्हें हम अच्छे से स्टर कर देंगे। आप ध्यान रखिए थोड़ा सा बड़े बर्तन का यूज़ करिए, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। और 10 से 12 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव होने के लिए लगा देंगे। तो बीच बीच में इस तरह से इसे निकाल कर स्टर करते जाएंगे। गैस के जैसे आपको माइक्रोवेव में कंटिन्यू स्टर नहीं करना पड़ता है, ये बेनिफिट आपको हो जाता है। अगर थोड़ा सा पानी कम लगता है तो थोड़ा सा हम पानी और ऐड कर सकते हैं। और फाइनली पूरी तरह से रवा 10 से 12 मिनट में इस तरह से अच्छे से फूल जाता है। और ये बारीक रवा है तो इसमें पानी का डबल मेज़रमेंट परफेक्ट हो जाता है मोदक बनाने के लिए। सूजी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन बारीक रवा अगर 1 कप है तो 2 कप पानी परफेक्ट हो जाता है। इसे हमने एक बड़ी थाली में निकाल लिया है और इसके ऊपर थोड़े से हम रोस्ट करके तिल डाल देंगे। ये भुने हुए तिल बहुत टेस्टी लगेंगे। और तिल डालने के बाद मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके मोदक बहुत आसानी से बन जाए। इसमें आप थोड़ा सा शुद्ध घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, और अब इनके मोदक बना लेंगे। इसके लिए ये येलो कलर का साँचा लिया है, इसमें एक साथ 5 मोदक फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। और मोदक का साइज़ भी एकदम परफेक्ट होता है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं होता है, और एक साथ इसमें 5 मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मोदक का साइज़ एकदम परफेक्ट बन जाता है इस तरह से, और बहुत जल्दी सारे मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। मोदक के साँचे को ध्यान रखिए, थोड़े ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करिए ताकि मोदक में फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और इस तरह से सारे मोदक फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, और इन्हें पैक करने के लिए आप कोई भी इस तरह से स्वीट का कोई बॉक्स ले सकते हैं, या फिर घर में ही किसी बॉक्स में इसे पैक कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू ऐसे रखते जाना है ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें नारियल का बूरा डाला है ताकि ये चिपके नहीं और इनका लुक भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल मोदक बनकर तैयार हुए हैं। और ऊपर से मोदक को उल्टा करके रख देना है,
इससे कि बॉक्स में ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी और मोदक फिर टूटेंगे और बिखरेंगे भी नहीं। इस तरह से सारे मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी क्वांटिटी में 201 मोदक बनकर तैयार हुए हैं। इसी मेज़रमेंट को यूज़ करके आप 501 और 1000 मोदक भी बना सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर करें।